अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का मौसम बहुत ही खुशगवार है। आज वेंसडे है और मुझे जाना था शॉपिंग पे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग पानी कैसा भरा हुआ है बारिश की वजह से। जब भी कराची में बारिश होती है तो बहुत बुरा हशर हो जाता है। तो खैर, हम चलते हैं शॉपिंग पे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से शॉपिंग की और कितने की शॉपिंग की। तो मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो शायद मैं आज अपलोड ना कर सकूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी शॉपिंग पे और शायद मुझे टाइम ना मिले, तो एक दो दिन में अपलोड होगी ये वीडियो। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है और आप देख रहे हैं गटर का पानी फुल भरा हुआ है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ के सब गटर फुल हो जाते हैं और पानी भर जाता है रोड पर। अच्छा जी, तो मैं आ चुकी हूँ मिलेनियम मॉल के बाहर और अब मैं अंदर जा रही हूँ। मिलेनियम मॉल है जौहर मोड़ पे, जो कराची में रहता है उन्हें पता होगा कि मिलेनियम मॉल कहाँ है। तो अंदर चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। मैं आ चुकी हूँ मिलेनियम मॉल के अंदर और अब मुझे देखना है कि मुझे क्या चीज़ लेनी है। और ये कुछ ड्रेसेस हैं, कैजुअल ड्रेसेस हैं 1800 तक के। तो चलिए चलते हैं अंडरग्राउंड। कन्फ्यूजन अक्सरियत मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सामने से कोई आ रहा होता है, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मुझे किस साइड से जाना है। यहाँ पर लगी हुई है सेल, 1300 to 1800 तक की सेल लगी हुई है। और ये कुछ फॉर्मल ड्रेसेस भी हैं यहाँ जो कि स्टार्ट है 3500 से स्टार्ट है और ये हैं 7000 to 8000 तक के ड्रेसेस हैं। ये कैजुअल ड्रेसेस हैं, ये 15 to 2000 तक की रेंज है, बल्कि इससे ज़्यादा थोड़ी। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पसंद आ रहा था ये स्टाइल, लेकिन मैंने ये नहीं लिया, मैंने दूसरा लिया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये फॉर्मल ड्रेसेस हैं, 3500 से स्टार्ट है और जारी है 9000 तक। मिलेनियम मॉल की ये ख़ास बात है कि यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है आपको। कैजुअल ड्रेसेस चाहिए हो, फॉर्मल ड्रेसेस चाहिए हो, स्टिच चाहिए हो, अनस्टिच चाहिए हो, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, अंडरग्राउंड जो शॉप्स हैं वहाँ पे 1800 तक की सेल लगी हुई है। ये लॉन के ड्रेसेस हैं सब, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें ईद की शॉपिंग करना तो यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला ड्रेस मुझे पसंद आया था तो मैंने ख़रीद लिया है, पीच। ये देखिए, ये फॉर्मल ड्रेसेस हैं, बच्चों के भी हैं और बड़ों के भी हैं, तो आप लोग देख लें। यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस लगे हुए हैं, जो ड्रेस आपको पसंद आए आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत सस्ता लगा इस हिसाब से कि ये फॉर्मल ड्रेसेस हैं और इतने सस्ते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आके देख सकते हैं। मिलेनियम मॉल के मैं बाहर आ चुकी हूँ और अब मैं घर जा रही हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग। शॉपिंग मैंने कर ली थी, कुछ शॉर्ट्स मैंने आप लोगों के लिए लिए थे ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि बहुत ही अच्छा मॉल है और बहुत सस्ती और अच्छी शॉपिंग हो सकती है, तो आप लोग चाहें तो जाके शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने कितने की शॉपिंग की है और क्या चीज़ ली है वो मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो अब हम घर आ चुके हैं और मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ शॉपिंग सारी लेके और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा क्यूट सा बेड है, तो लाइट्स ऑन कर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ और कितने की। तो मैं जे डॉट भी गई थी, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैंने इसलिए वीडियो वहाँ की नहीं बनाई, सिर्फ मिलेनियम मॉल की बनाई है। तो ये फर्स्ट ड्रेस जो है ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने आज की है। ड्रेसेस मैंने सारे मिलेनियम मॉल से लिए हैं और परफ्यूम्स तो नज़र ही आ रहा होगा, जे डॉट से लिए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये पिंक वाला ड्रेस, ये मैंने लिया है 3000 का और ये मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। फुल फ्रॉक है पैनल्स वाली और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से आप लोग देख सकते हैं कि कितना सोबर सा कलर है और
लाइट कलर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी ये स्लीव्स हैं, इस पर बेल लगी हुई है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 3000 रुपीज़ का है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ब्लैक ड्रेस भी लेना था लेकिन अम्मी ने कहा कि तुम्हारे पास एक ही कलर है, उसी कलर के तुमने ड्रेसेस लेने हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आज बिल्कुल भी ब्लैक ड्रेस नहीं लूँगी, तो मैंने नहीं लिया। ये पिंक कलर बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने ये वाला ड्रेस लिया। ये दूसरा ड्रेस है, ये फॉन कलर का है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये लग रहा था। ये मैंने लिया है 2000 रुपीज़ का और ये इसकी स्लीव्स हैं, थोड़ा सा फॉर्मल लुक दे रहा है ये, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो इस वजह से ये मैंने लिया। इसका दुपट्टा थोड़ा सा डार्क कलर का है और इस पर बेल लगी हुई है। इसका ट्राउज़र इस कलर का है, शर्ट के कलर का ही है फॉन, और इस पर फुल ये काम हुआ हुआ है। बहुत हल्का सा सूट है और सिर्फ 2000 रुपीज़ का। ये इसका गला बना हुआ है खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये, तो ये मैंने लिया है। तो जी ये है थर्ड ड्रेस और ये भी इत्तेफाक से लाइट कलर का है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये ड्रेस भी, तो मैंने फ़ौरन ले लिया। इसके स्लीव्स पे इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है और दुपट्टे पे भी बॉर्डर बना हुआ है, रेड और फॉन इसका कंट्रास्ट है तो बहुत प्यारा लग रहा था। ये ड्रेस मैंने लिया है 2500 का, दोनों स्लीव्स पे इस तरह बॉर्डर बना हुआ है, रेड इसका ट्राउज़र है बनारसी टाइप ना, तो ये थोड़ा सा फॉर्मल लुक दे रहा है ये वाला भी, तो ये ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम ड्रेस लिया है मेरी सिस्टर ने, छोटी सिस्टर ने लिया है, क्योंकि हम अक्सरियत सेम ड्रेसेस लेते हैं। उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, गले पे उसके रेड डोरी टाइप जो बना हुआ है वो नहीं लगा हुआ रेड कलर से, गोल्डन ही है पूरा, तो ये उसका ड्रेस है। अब देखते हैं परफ्यूम्स। परफ्यूम्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जे डॉट के स्पेशली। मैंने लिया है मीका और खुमार, ये किसी को गिफ्ट करना था अम्मी ने, तो ये मैंने लिया है 1200 का है आई थिंक, और खुमार जो लिया है दूसरा वो मुझे मिला है 1800 का। तो खुमार की मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस पसंद है, तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे जे डॉट पे सेल भी लगी हुई है 20-50% ऑफ। तो जी ये थी मेरी सारी शॉपिंग आज की। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।